Hello friends, welcome to DKB tutorial. Dear students, in this video I am going to tell you about some very important questions of series and parallel connection. इससे पहले मैंने आपको वीडियोस में सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के डेरिवेशंस के बारे में बताया था. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, then please I suggest you to watch that video. Okay? उसके बाद में इस वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा. अदरवाइज अगर आपने फॉर्मूले वगैरह नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा. इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है सीरीज कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. और एक और बात बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें. और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर एक क्वेश्चन है. यू कैन सी एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, दोनों ही सीरीज कनेक्शन में लगे हुए हैं. 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है इस सर्किट में. हमको बताना है, पहला पार्ट है टोटल रेजिस्टेंस पता करना है, एंड सेकंड पार्ट में आपको वोल्टेज पता करना है 4 ओम. ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें वोल्टेज कितना होगा. ठीक है, तो आप लोगों को सबको पता है सीरीज कनेक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है. सॉल्यूशन हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं फॉर 6 ओम एंड 4 ओम. 6 ओम और 4 ओम सीरीज में है. सीरीज के लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, अगर नहीं भी याद है तो वीडियो को देखिए और समझिए. R इक्वल R1 प्लस R2, टोटल R हो गया 6 प्लस 4 दैट इज 10 ओम. टोटल R के लिए हमने कई सारे वर्ड बताए थे कि टोटल R को हम बोलते हैं नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, कई सारे वर्ड है. ओके, सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज इन 4 ओम. You should know that in series connection, तब वो यहाँ से वोल्टेज 20 ओम है, करेंट इज I, यहाँ से जो करेंट निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, I निकल रहा है. We can find out the total current, total current. We all know Ohm's law, V is equal to IR, the total voltage is 20, total current is unknown, total resistance is 10. देन टोटल आई कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2 एम्पियर. मीन्स इस बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 2 एम्पियर का. सीरीज कनेक्शन में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं. इस बात को याद रखना, इन सीरीज कनेक्शन करंट रिमेन सेम, वोल्टेज गेट डिवाइडेड. तो जब यहाँ से 2 एम्पियर का करंट निकल रहा है तो यहाँ भी कितना करंट जाएगा, 2 एम्पियर, और यहाँ भी कितना करंट जाएगा, 2 एम्पियर. ठीक है, हमको फाइंड करना है वोल्टेज इन 4 ओम रेजिस्टेंस. नाउ आई कैन राइट फॉर 4 ओम. अब हम जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो कितने लगाने वाले हैं, फॉर 4 ओम के लिए. ओम्स लॉ हम सबने पढ़ा हुआ है, V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज 4 ओम वाले में वोल्टेज कितने होंगे ये हमको पता नहीं है, करंट कितना है 2 एम्पियर है, एंड रेजिस्टेंस इज 4 ओम. तो वोल्टेज कितने हो गए, 4 टू जा 8 वोल्ट. मीन्स जो टोटल वोल्टेज है 20, उसमें से 8 वोल्टेज तो यहाँ चले जाएंगे और 12 वोल्ट यहाँ चले जाएंगे. तो ये हुआ इस क्वेश्चन में. आपको दो बातें बतानी थी, पहला टोटल आर बताना था, बता दिया, और सेकंड कंडीशन में आपको वोल्टेज बताने थे 4 ओम में, वो भी हमने बता दिए. एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट. हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव 3 रेजिस्टेंस. ओके, फर्स्ट इज 5 ओम, सेकंड इज 8 ओम, एंड थर्ड इज 12 ओम. ओके, एंड अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड टू दिस सर्किट. सीरीज कनेक्शन का जैसे ही कोई डायग्राम आए आप लोगों को याद होना चाहिए कि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं. मीन्स यहाँ से जितना भी करंट निकल रहा होगा उतना ही करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा. क्वेश्चन ये है आप लोगों को, 3 क्वेश्चन है यहाँ पर. फाइंड फर्स्ट टोटल रेजिस्टेंस पता करना है, सेकंड थिंग पोटेंशियल डिफरेंस इन 8 ओम. ये जो 8 ओम का रेजिस्टेंस है पोटेंशियल डिफरेंस में वोल्टेज बताने हैं, एंड थर्ड इज टोटल आई पता करना है कि पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है. अभी की तरह बिल्कुल डिटो हम करेंगे फॉर 5.8 एंड 12 ओम. एज यू नो
दीज आर डिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, आर इक्वल आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आर वन इज फाइव, आर टू इज एट, आर थ्री इज ट्वेल्व, इट इज 25 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस पता हो गया कितना हो गया 25। सेकंड कंडीशन है पीडी इन 8 ओम। पीडी निकालने से पहले हमको क्या पता करना पड़ेगा, टोटल करंट। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर सर्किट आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेनेवर आई एम सेइंग फॉर सर्किट आई मीन टू से व्हाट इज द टोटल वोल्टेज, व्हाट इज द टोटल करंट एंड व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। मीन जस्ट लुक एट द बैटरी, whenever I am saying for circuit then you have to look at the battery, you know ohm's law, V equal to IR, total voltage is 6, total current is unknown, total resistance is 25, so the total current is 6 by 25 ampere, total current kitna ho gaya 6 upon 25 ampere। ab hum pata karte hain kya voltage, sabko pata hona chahiye जब यहां से कितना करंट निकला है 6 अपॉन 25, तो इसमें भी 6 अपॉन 25 जाएगा, इसमें भी 6 अपॉन 25 जाएगा, इसमें भी 6 अपॉन 25 जाएगा। हम लिख भी सकते हैं 6 अपॉन 25 I इक्वल 6 अपॉन 25 I इक्वल 6 अपॉन 25। हमें वोल्टेज पता करने है कि कौन से वाले रेजिस्टेंस में, 8 ओम वाले में। तो फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, फॉर 8 ओम V इक्वल आई आर, टोटल वोल्टेज पता नहीं हमें 8 ओम में कितने वोल्टेज होंगे, बट करंट पता है 6 अपॉन 25। 8 ओम वाले को देखिए करंट कितना है 6 अपॉन 25, रेजिस्टेंस इज 8, 8 6 48 अपॉन 25 वोल्ट। जो भी आंसर आए डेसिमल में आप लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी क्वेश्चन हो गया। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। हियर In this diagram, we have three resistances. One is of 7.2 ohm and another resistance is 8 ohm and 12 ohm. Okay? And a battery of 6 volt is connected to this circuit. ये डायग्राम गिवन है, हमको पता क्या करना है इसमें, वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट पार्ट टोटल आर, सेकंड टोटल आई एंड थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस इन 7.2 ओम। इसमें वोल्टेज कितने जाएंगे हमको ये भी बताना है। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले हमें क्या यहां पर कितने रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस है। क्या ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं या ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, क्या हमें पता चल रहा है स्टूडेंट? ये तो क्लियर है कि ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है, और ये भी बात क्लियर है कि ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं है। तब पता कैसे करते हैं कब सीरीज होगा और कब पैरेलल होगा? देखो यहां से करंट निकल रहा है स्टूडेंट, कितना आई पता नहीं है ना हमें कितना, तो हमने मान लिया आई एम्पीयर का करंट यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, यहाँ से करंट चल रहा है सीधा सीधा, इसमें भी कितना जाएगा आई जाएगा, लेकिन जैसे करंट इस पॉइंट पे पहुंचेगा तुरंत क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जहां करंट डिवाइड होना स्टार्ट हो जाए वहीं पर समझ जाना कि पैरेलल कनेक्शन आ गया है। ठीक है, जहां तक करंट सेम जा रहा है वहां तक सीरीज कनेक्शन रहेगा, जैसे ही करंट डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट वहां पर क्या जाएगा, पैरेलल कनेक्शन आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 8 ओम का रेजिस्टेंस और 12 ओम का रेजिस्टेंस ये कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो पहले हम सॉल्व करेंगे फॉर 8 ओम एंड 12 ओम, पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल का फॉर्मूला आई होप सबको याद होगा, 1 अपॉन आर इक्वल 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू, 1 upon 8 plus 1 upon 12, 1 upon R is equal to 24, 8 3 the 12 to the, then R is equal to 5 upon 24 and R is equal to 24 upon 5, it will equal to 5 4 ja 20 and 5 8 ja 40। इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, इसका और इसका 4 point, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों की जगह पर एक रेजिस्टर लगा सकते हैं, और जिसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 4.8 ओम। आप लोगों को डायग्राम में ये सब करना नहीं है, हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर आपने टोटल रेजिस्टेंस पता किया है तो इसका मतलब ये है कि आप क्या करोगे, उनको हटाकर उनकी जगह पर एक नया रेजिस्टेंस लगा सकते हो। अब ये दोनों रेजिस्टेंस कहते हुए देखो, यहाँ से करंट निकल रहा है सीधा जा रहा है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस कहते हैं,
अब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, तो नाउ आई कैन राइट फॉर 7.2 ओम एंड 4.8 ओम आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, 7.2 प्लस 4.8 और ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस 12। ठीक है, पहली बात सॉल्व हो गई, आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना था, हमने बता दिया टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। सेकंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड टोटल करंट, तो टोटल करंट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे फॉर सर्किट, कई बार बोला हुआ है व्हेनेवर आई एम सेइंग सर्किट वी हैव टू जस्ट लुक एट द बैटरी, तो हां देखना हमें सीधा सीधा बैटरी पर देखना है। ओम लॉ सबको पता है, वोल्टेज टोटल कितना है 6, टोटल करंट अननोन, टोटल रेजिस्टेंस इज 12, अभी अभी हमने पता किया टोटल रेजिस्टेंस, तो आई इक्वल हो गया स्टूडेंट 6/12 दैट इज 0.5 एम्पियर। तो ये भी हमको पता चल गया कि टोटल करंट कितना, इस बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब करंट देखिए सीधा जा रहा है, इसमें करंट कितना जाएगा, आई इक्वल 0.5 एम्पियर। इसको हम रिमूव कर रहे हैं और रिमूव करने के बाद में ओरिजिनल डायग्राम जैसा था वैसा बना दे रहे हैं। ये 8 ओम था और ये 12 ओम, तो यहां तक तो करंट 0.5 एम्पियर है, लेकिन जैसे ही करंट इस पॉइंट पे पहुंचेगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। लेकिन हमको पता क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस इन 7.2 ओम। तो अब जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम किसके लिए लगाने वाले हैं, फॉर 7.2 ओम वी इक्वल टू आई आर। 7.2 ओम में वोल्टेज कितने होंगे पता नहीं है हमें, लेकिन करंट तो पता है 0.5 एंड रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नोन 7.2, तो द टोटल वोल्टेज इन 7.2 ओम इज 3.6 वोल्ट। ठीक है, टोटल वोल्टेज कितने लगे हुए थे 6 वोल्ट लगे हुए थे, 6 में से 3.6 वोल्टेज यहां पे चले गए, बाकी के जो वोल्टेज होंगे वो कहां जाएंगे, वो दोनों इन दोनों में जाएंगे, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से राइट करो वीडियो को पॉज करके जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। ओके कर लिया, ठीक। यहां से एक बात श्योर है स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल एग्जाम में डेरिवेशन हमने बताया था सीरीज कनेक्शन का और पैरेलल कनेक्शन का, प्लस ये न्यूमेरिकल 100% श्योर है एग्जाम में आएगा, जरूर आएगा, है ना। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों में से कोई भी एक चीज ना आए, एक चीज तो 100% आती है, दोनों भी आ जाती है, डेरिवेशन भी आ जाता है प्लस उसके साथ में एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है। हियर इन दिस डायग्राम वी हैव 3 रेजिस्टेंसेस। ओके, ये डायग्राम हमको गिवन है, 3 रेजिस्टेंस हमको गिवन है, पहला रेजिस्टेंस है 5 ओम, सेकेंड है 4 ओम और थर्ड है 10 ओम एंड अ बैटरी इज गिवन हियर, बैटरी ऑफ वी वोल्टेज कनेक्टेड हियर। ओके, आपको पता नहीं है कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। क्वेश्चन है इफ इन 5 ओम करंट इज 1 एम्पियर। ओके, ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें करंट कितना है 1 एम्पियर है, देन फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर, बाकी के दोनों में कितना करंट होगा ये बताना है, और सेकंड पार्ट है आपको टोटल आर पता करना है। ठीक है, इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो करते हैं। हम सब लोग जानते हैं स्टूडेंट, बहुत अच्छे से याद रखना, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहते हैं, करंट डिवाइड हो जाता है। ओके, याद रखेंगे, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहते हैं, करंट डिवाइड हो जाता है, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। इसी फैक्ट को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर 5 ओम के लिए, बाय ओम्स लॉ वी इक्वल आई आर। 5 वोल्ट, देखो यहाँ पर वोल्टेज कितने लगे हुए हैं 20 वोल्ट, इसका मतलब यहाँ पर भी 20 वोल्ट होंगे, यहाँ पर भी 20 वोल्ट होंगे और यहाँ पर भी 20 वोल्ट होंगे। क्यों? क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहते हैं, तो वोल्टेज इज वी, करंट क्वेश्चन में गिवन है कि 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट है 1 एम्पियर एंड द रेजिस्टेंस इज 5 ओम, तो वोल्टेज कितने हो गए 5 वोल्ट। इसका मतलब इसमें भी 5 वोल्ट होंगे और इसमें भी 5 वोल्ट होंगे, हम जानते हैं इस बात को, पैरेलल कनेक्शन में करंट
डिवाइड होता है लेकिन वोल्टेज तो सेम रहते हैं, तो इसमें भी 5 वोल्ट होंगे, हम लिख भी सकते हैं 5 वोल्ट, और यहाँ पर भी कितने होंगे 5 वोल्ट। अब हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं फॉर 4 ओम के लिए, जस्ट लुक एट द 4 ओम रेजिस्टेंस, V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इज 5, करेंट इज अननोन एंड रेजिस्टेंस इज 4, देन द करेंट इज 5/4 और यू कैन राइट 1.25 एम्पियर। नाउ सिमिलरली फॉर 10 ओम, V इक्वल आई आर, वोल्टेज इज 5, करेंट इज अननोन, रेजिस्टेंस इज 10, यू कैन फाइंड आउट द करेंट इज 0.5 एम्पियर। ओके, तो पहला क्वेश्चन हो गया, आपको करंट बताना था, अदर टू रेजिस्टेंसेस में हमने बता दिया। थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसमें, कि आपको टोटल रेजिस्टेंस पता करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस पता करने के लिए आप सब लोग अच्छे से जानते हो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/4 + 1/5 + 1/10। LCM इज 40 8 10 8 4, देन 1/R एंड R इक्वल हो जाएगा 40/22। तो इसको सॉल्व करके डेसिमल में जो भी आंसर आ रहा आए आप लोग लिख दीजिएगा। इज दैट क्लियर? तो आप नोट करो जल्दी से इस क्वेश्चन को, जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम बनाता हूँ। वीडियो को पॉज करो जल्दी और डायग्राम बना के पूरा क्वेश्चन राइट करो एंड देन सॉल्व करो। आपको गिवन है ए पीडी ऑफ 4 वोल्ट, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ए पीडी ऑफ 4 वोल्ट इज सप्लाइड टू 2 रेजिस्टर्स ऑफ 6 ओम एंड 2 ओम कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, इस बार हमको डायग्राम नहीं गिवन है, इस बार हमको क्वेश्चन गिवन है बच्चों। पहला पार्ट है आपको सॉल्व करना है, टोटल आर पता करना है, सेकंड पार्ट में टोटल करंट पता करना है, और थर्ड पार्ट में आपको पीडी पता करना है इन 6 ओम। ठीक है, ये 3 पार्ट है क्वेश्चन के, इन तीनों पार्ट को हमें करना है। चलो करते हैं। ये पीडी ऑफ 4 वोल्ट सप्लाई टू 2 रेजिस्टर, आपके पास में 2 रेजिस्टेंस है, एक 6 ओम का है और एक 2 ओम का है, और इट इज क्लियर क्वेश्चन में ये दोनों रेजिस्टर कैसे कनेक्ट किए हैं सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्ट हमने कर दिए, एक 6 ओम का है और एक 2 ओम का है। बैटरी लगानी है तो बैटरी लगा देंगे हम, कितने वोल्ट की बैटरी लगानी है, 4 वोल्ट की बैटरी लगानी है, 4 वोल्ट की बैटरी भी लगा दी। अब यहाँ से कितना करंट निकल रहा है पता नहीं है, इसलिए हमने करंट मान लिया यहाँ पर आई। दैट क्लियर? पहले टोटल रेजिस्टर कितना हो गया, आर इक्वल आर वन प्लस आर टू, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया बच्चों 6 + 2, दैट इज 8 ओम। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, फॉर सर्किट V इक्वल टू आई आर, टोटल वोल्टेज 4 है, टोटल करंट हमको पता नहीं है, टोटल रेजिस्टेंस 8 है, तो यहाँ से टोटल करंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0.5 एम्पीयर। ठीक है, टोटल करंट भी पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, इस बात को याद रखेंगे। V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज कितना है पता नहीं है, करंट इसमें कितना जाएगा 0.5, और रेजिस्टेंस कितना है इसका 6, तो ये आ गया 3 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जरा इस क्वेश्चन को राइट करो। आप बस एक बात ध्यान रखना कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहते हैं, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं, याद रखोगे ना इस बात को, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहते हैं, करंट डिवाइड हो जाता है, इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन को राइट जरूर करते चलिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हियर अगेन आई हैव 3 रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, हमको क्लियरली पता चल रहा है
ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड हैं स्टूडेंट, पैरेलल। एक रेजिस्टेंस है 5 ओम, सेकंड है 10 ओम, थर्ड है 30 ओम। 5, 10 एंड 30। और आपको वोल्टेज के बिना इस बार इस पूरे सर्किट में कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो सबसे पहला पार्ट आपको पता करना है करेंट इन ईच रेजिस्टर। ओके, इसमें करेंट कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा और इसमें करंट कितना होगा, आप लोगों को ये बताना है। दूसरा पार्ट आपको पता करना है टोटल आई कितना होगा, और थर्ड पार्ट में आपको पता करना है डियर स्टूडेंट कि टोटल आर कितना होगा। ठीक है, तो पता करते हैं। फैक्ट्स याद रखना, बताया था सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होती है। पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहते हैं। अगर यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो इसमें कितने वोल्टेज जाएंगे, 12 वोल्ट जाएंगे। इसमें कितने वोल्टेज जाएंगे, 12 वोल्ट जाएंगे। इसमें भी कितने वोल्टेज जाएंगे, 12 वोल्ट जाएंगे। ओके, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहते हैं, ये बात याद रखना है। तो हम पहले लगा रहे हैं फॉर, चलो यहां से करते हैं इस बार, फॉर 5 ओम बाय ओम फ्लो वी इक्वल आई आर। वोल्टेज कितने हैं इसमें, 12। करेंट आपको पता नहीं है, रेजिस्टेंस इज 5, तो करंट कितना हो गया, 12/5, दैट इज 2.4 एम्पीयर। सेकंड पार्ट में हम लगाने वाले हैं फॉर 10 ओम, अगेन बाय फॉर्मूला वी इक्वल आई आर। वोल्टेज इसमें भी कितने हैं स्टूडेंट, 12। करंट पता नहीं है, रेजिस्टेंस है 10, तो इसमें करंट कितना आ गया, 1.2 एम्पीयर। ओके, थर्ड लगाए हम फॉर 30 ओम, इस बार हम 30 ओम के लिए लगा रहे हैं, वी इक्वल टू आई आर। वोल्टेज अगेन 12, करेंट इज अननोन, रेजिस्टेंस इज 30, देन आई इक्वल 12/30। इसको सॉल्व करके जो भी आई आप आंसर लिख दीजिएगा, वैसे आई थिंक ये आंसर आ जाएगा 0.4 एम्पीयर। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट हो गया, आपको करेंट बताना था, तीनों रेजिस्टर्स में हमने करंट बता दिया। सेकंड पार्ट इज दैट वी हैव टू फाइंड टोटल आई। तो फर्स्ट वाले में इतना करंट है, सेकंड में इतना करंट है, थर्ड में इतना करंट है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल आई। ओके, कितना हो जाएगा, आई इक्वल पहले वाले में कितना है 2.4, सेकंड में 1.2 और थर्ड में 0.4, ऐड करके कितना हो जाएगा 2.8 एंड 1.2, 4.0 एम्पीयर। दैट इज टोटल करंट कितना हो गया स्टूडेंट, हमको पता चल गया कि सर्किट से जो करंट निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 4 एम्पीयर का करंट निकल रहा है। अब थर्ड पार्ट में हमको बताना है टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस पता करने के लिए डियर स्टूडेंट दो तरीके हैं इस बार हमारे पास। पहले तो इन तीनों को पैरेलल लगा दो, पैरेलल में है तो 1/R = 1/R1+1/R2+1/R3, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। एंड सेकंड जो मेथड है वो ये है, फॉर सर्किट वी इक्वल आई आर, टोटल वोल्टेज कितना है 12, टोटल करंट कितना है 4, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है पता नहीं है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया स्टूडेंट, 3 ओम। ओके, तो इस तरह से हमने टोटल रेजिस्टेंस को दो तरीके से पता कर सकते हैं। पहला, सीधा सीधा इनको पैरेलल में लगा दो, और दूसरा तरीका क्या है कि आप टोटल सर्किट के लिए फॉर्मूला लगाइए, बाय ओम्स लॉ वी इक्वल आई आर एंड वी कैन फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। जल्दी से डायग्राम को बनाओ, पॉज करके वीडियो को, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाते हैं। देखिए इस बार एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कठिन लगे। वी हैव 5 रेजिस्टेंस, इस बार हमारे पास में कितने रेजिस्टेंस हैं, 5। और 5 रेजिस्टेंस को ना तो हमने सीरीज में लगाया है और ना ही पैरेलल में लगाया है, कुछ को सीरीज में है और कुछ पैरेलल में। ओके, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। दिस इज 10 ओम एंड दिस इज 40 ओम, दिस इज 20, दिस इज 30 एंड दिस इज 60। ओके, वोल्टेज के बिना इस बार हमको
12 वोल्ट ठीक। इस बार जो टोटल वोल्टेज है वो हमको गिवन है क्वेश्चन में 12 वोल्ट। ये डायग्राम आपको गिवन है। तो पहला क्वेश्चन है, दो पार्ट है इसमें, आपको फाइंड करना है टोटल आर और सेकंड क्वेश्चन में पता करना है टोटल आई। टोटल आई मतलब यहां से कितना करंट निकल रहा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर है, डायग्राम बनाइए और क्वेश्चन को राइट कर लीजिए। आपको टोटल रेजिस्टेंस पता करना है और टोटल करंट पता करना है। अब एक बात बताओ बच्चों, यहां से करंट निकल रहा है, देखो सीधा चल रहा है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इस फैक्ट को याद रखिएगा, हमने बताया है करंट वाला टॉपिक। एक बात बताएं बच्चों आप लोगों को, अगर आपने पीछे की वीडियो को नहीं देखा है तो ये वीडियो आप देखोगे उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आ जाएगा, हम ये नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन आ जाएगा, लेकिन उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना आप एक हमने पार्ट वाइज डाल रखे हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। तो आप पार्ट वन से स्टार्ट करिएगा, तब तक यहाँ तक पहुंचिएगा, ठीक है, तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। तो यहाँ पर करंट आके डिवाइड हो गया, देखिए डिवाइड होगा करंट, जैसे ही करंट डिवाइड होगा तो हमने बताया है जहां पर करंट डिवाइड होना स्टार्ट हो जाए वहां पर कौन सा कनेक्शन आ जाएगा, पैरेलल कनेक्शन आ जाएगा। फिर यहाँ से करंट निकलेगा, करंट यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर भी कौन सा कनेक्शन आ गया, पैरेलल कनेक्शन आ गया। मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, और ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। दिखाई भी दे रहे हैं कि ये तीन पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल में है। चलो पहले इन दोनों के लिए लिखते हैं, फॉर 10 ओम एंड 40 ओम। पैरेलल का फॉर्मूला बताओ स्टूडेंट हमको, 1 अपॉन आर इक्वल 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2, 1 अपॉन आर इक्वल 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 40, 1 अपॉन आर इक्वल 40, 4 प्लस 1 देन आर इक्वल 40 बाई 5 दैट इज 8 ओम। ओके मींस इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि हम इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं और दोनों की जगह पे कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, 8 ओम का। चलो हम आप लोगों के लिए कितना करते हैं, हटाते हैं इनको, लेकिन आपको नहीं करना है ये सब एग्जाम में, ठीक है। ये बातें हम सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, कितने ओम का लगा सकते हैं, 8 ओम का, ठीक है। अब आप इन तीनों रेजिस्टेंस को देखो, ये भी तीनों किसमें है, पैरेलल में है। अब फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम फॉर 20 ओम, 30 ओम एंड 60 ओम। 1 अपॉन आर इक्वल 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन आर 3, 1 अपॉन आर इक्वल 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 60, देन 1 अपॉन आर इक्वल एलसीएम 60, 3 प्लस 2 प्लस 1। तो इन दोनों के लिए टोटल आर आ जाएगा स्टूडेंट, जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल फाइंड दैट द टोटल आर इज 10। मीन व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट वी कैन रिमूव दीज रेजिस्टर्स एंड वी कैन प्लेस वन रेजिस्टर इनस्टेड ऑफ दीज थ्री रेजिस्टर एंड दैट इज 10 ओम। कितने का लगा सकते हैं, 10 ओम का एक नया रेजिस्टर लगा सकते हैं। अब मुझे बताओ स्टूडेंट कि ये 8 ओम और ये 10 ओम कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं या पैरेलल में लगे हुए हैं। तो क्लियर पता चल रहा है कि ये कितने लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। लिखेंगे कहते फॉर 8 ओम एंड 10 ओम आर इक्वल आर 1 प्लस आर 2, 8 प्लस 10 दैट इज 18 ओम। तो ये हुआ स्टूडेंट इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस हमने पता कर लिया, सेकंड पार्ट में हमको बताना है टोटल करंट। टोटल करंट कैसे पता करेंगे, हम क्या लिखने वाले हैं, फॉर सर्किट बाय ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर। हम जानते हैं इस बात को, ओम संकल ने हमको एक बहुत अच्छा लॉ बताया है, वी इक्वल टू आई आर। टोटल वोल्टेज कितना है, 12। टोटल करंट पता नहीं है आपको, टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाला है आपने, 18। तो टोटल करंट हो गया 12 अपॉन 18 एम्पियर। जो भी सॉल्व करके आ जाए इसको आप आंसर लिख दीजिएगा डेसिमल में, और ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से क्वेश्चन को राइट करो डायग्राम बना के, जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। वीडियो को पॉज किया करिए और डायग्राम को बनाइए, पूरा सॉल्यूशन अपने आप करिए, ओके। नहीं आए तो बोर्ड पे देख लीजिएगा। देखो इस बार हमारे आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है,
ओके स्टूडेंट, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 20 ओम, ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये 30 ओम और ये है 10 ओम। क्वेश्चन में ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी लिखा हुआ है। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को लिखा हुआ है कि आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जब भी ये लिखा हुआ है बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इस बात का मतलब क्या है। बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का मतलब स्टूडेंट की करंट ए से जा रहा है, पॉइंट ए से करंट सर्किट में जा रहा है और पॉइंट बी से सर्किट से बाहर आ रहा है। तो करंट कहां से जा रहा है, पॉइंट ए से। अब हमको ये पता करने में थोड़ी दिक्कत है कि सर इसमें कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है। तो देखो, अगर आप लोगों को फैक्ट याद है कि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होते हैं, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड होते हैं, उल्टा बोल दिया, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होते हैं, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहते हैं। तो देखो, करंट यहां से जा रहा है, जैसे ही पॉइंट इस पॉइंट पर आएगा करंट डिवाइड होगा, इसका मतलब कौन सा कनेक्शन स्टार्ट हो गया बच्चों, पैरेलल कनेक्शन स्टार्ट हो गया। अब यहां से करंट चल रहा है, इन तीनों में करंट कैसा जाएगा, सेम जाएगा, इसमें इसमें और इसमें करंट कैसा जाएगा, सेम जाएगा। और जब करंट सेम जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों कैसे लगे हुए हैं, ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं स्टूडेंट। तो हम पहले कितने राइट करने वाले हैं, फॉर दिस 20 ओम कॉमा 10 ओम कॉमा 20 ओम सीरीज में है, तो R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 प्लस 20 दैट इज 50 ओम। ओके स्टूडेंट, हमको पहले इन तीनों की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को हटा सकते हैं, तो इन तीनों की जगह पर कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं हम। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि ये पैरेलल लगे हुए हैं, लेकिन ये पैरेलल नहीं लगे हुए हैं, ये कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे थे। इन तीनों की जगह पर हम लगा सकते हैं कितने ओम का रेजिस्टेंस, 50 ओम का रेजिस्टेंस। अब आप ये सोचो, ये 50 और ये 30 कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं या पैरेलल में लगे हुए हैं। तो क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर देखो करंट डिवाइड हो रहा है, और जब करंट डिवाइड हो तो आपको समझ जाना है कि कौन सा कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है, पैरेलल कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो आई कैन राइट फॉर 30 ओम एंड 50 ओम पैरेलल कनेक्शन के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, वी वन अपॉन आर इक्वल वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू वन अपॉन 30 प्लस वन अपॉन 50 एलसीएम इज 150 5 प्लस सी। तो R आपको पता चलेगा स्टूडेंट कितना आ जाएगा इन दोनों के लिए, R 150 अपॉन 8 ओ मीन्स इन दोनों को भी हम हटा सकते हैं, तो इन दोनों की जगह पर कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, दोनों को हटाइए, इन दोनों की जगह पर कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा दीजिए, 150 अपॉन 8 ओ। अब मुझे बताओ स्टूडेंट, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये तीनों कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं या पैरेलल में लगे हुए हैं। क्लियर पता चल रहा है कि करंट जा रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, यहाँ तो करंट कोई डिवाइड नहीं हो रहा। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर 10 कॉमा 150 बाई 8 एंड 10 ओम सीरीज का फॉर्मूला, आर इक्वल आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आर इक्वल 10 प्लस 150 अपॉन 8 प्लस 10, लेट्स टेक एलसीएम 80 प्लस 150 प्लस 80 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 31 अपॉन 8। ओके, तो ये हुआ इस पूरे सर्किट का टोटल, एक बार थोड़ा चेक कर लें, हाँ ठीक है, तो ये हुआ पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आएंगे जिसमें हमको ये पता करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी कि सीरीज कनेक्शन कौन सा है और पैरेलल कनेक्शन कौन सा है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा फैक्ट को याद रखोगे कि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड होते हैं, और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है करंट डिवाइड होते हैं, तो हम इस प्रॉब्लम से भी निकल सकते हैं आराम से। तो याद रखिएगा इस फैक्ट को, आप लोग सब लोग अच्छे से
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर कर पूछा भी जाता है इस टाइप के क्वेश्चन, जहां आपको पता करने में दिक्कत आएगी। क्वेश्चन ऐड कर लिया, चलो एक और क्वेश्चन लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए। टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है इसको अभी लेते हैं, ठीक है पहले ये क्वेश्चन लेते हैं। हाँ आपको यहां पर तीन रेजिस्टेंस गिवन है स्टूडेंट, 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज 5 ओम, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 2 ओम। आपको पता करना है फाइंड फर्स्ट टोटल आर एंड सेकेंड टोटल करेंट, ओके दो चीजें बतानी है आपको, टोटल आर बताना है और टोटल करेंट बताना है कि ये पूरे सर्किट का टोटल आर कितना होगा और टोटल करेंट कितना होगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये तीन रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं? आंसर है नो, तीनों सीरीज में नहीं लगे हुए। क्या तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं? अगेन आंसर ये नो होता है, तीनों पैरेलल में नहीं लगे हुए हैं क्योंकि करंट यहाँ से चल रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, लेकिन इन दोनों में करंट कैसा जाएगा? सेम जाएगा ना। तो ये 3 ओम और ये 2 ओम कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। तो हम देखने वाले हैं आपको फॉर 3 ओम एंड 2 ओम सीरीज का फॉर्मूला R इक्वल R1 प्लस R2, R इक्वल 3 प्लस 2, देन R इक्वल 5 ओम। मींस इसका मतलब क्या है कि हम इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं और इन दोनों की जगह पर क्या लगा सकते हैं स्टूडेंट? एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जो कितने ओम का होना चाहिए? 5 ओम का होना चाहिए। अब ये 5 ओम और ये 5 ओम कैसे हैं? क्लियर पता चल रहा है, पैरेलल में है। तो क्या लिखने वाले हैं हम? फॉर 5 ओम एंड 5 ओम 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 1/R इक्वल 1/5 प्लस 1/5 R इक्वल 5/2 दैट इज 2.5 ओम। तो ये हो गया स्टूडेंट टोटल रेजिस्टेंस। अब सेकंड पार्ट में हमको क्या पता करना है? टोटल करंट। टोटल करंट पता करने के लिए हम क्या लिखने वाले हैं? फॉर सर्किट, एंड यू नो वेरी वेल वेन एवर आई एम सेइंग फॉर सर्किट आई मीन टू से जस्ट लुक एट द बैटरी। कहां देखना है आपको? बैटरी पर देखना है। बाय ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर, टोटल वोल्टेज इज 4, टोटल करंट इज अननोन, टोटल रेजिस्टेंस इज 2.5 और आई कैन राइट 5/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आई हो जाएगा 8/5 दैट इज 1.6 एम्पियर, ओके। तो इस तरह से हम टोटल करंट को भी पता कर सकते हैं। क्या बात समझ में आई है? एक क्वेश्चन और छोटा सा लेते हैं। आप लोगों के लिए है ये क्वेश्चन, आप करके दिखाना हमको। बैटरी लगी हुई है, ओके ये डायग्राम आपको गिवन है, हमको बताना है टोटल आर बताना है एंड सेकेंड पीडी इन 3 ओम। इस वाले ओम में 3 ओम रेजिस्टेंस में आपको लोगों क्या बताना है? पीडी मतलब वोल्टेज बताना है। पहले मुझे ये बताओ ये तीनों सीरीज में है या पैरेलल में? देखो करंट यहाँ से सीधा सीधा चल रहा है, इसका मतलब ये तीनों कैसे लगे हुए हैं स्टूडेंट? तीनों ही सीरीज में लगे हुए हैं और सीरीज का फॉर्मूला सब लोग बहुत अच्छे से जान गए होंगे अब तक तो, आर इक्वल आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, टू प्लस थ्री प्लस वन दैट इज 6 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 6 ओम। करंट कितना होगा? टोटल करंट वी इक्वल आई आर, वोल्टेज इज 2, करंट इज अननोन, टोटल रेजिस्टेंस इज आर, तो आई कितना हो गया? 2/6 दैट इज 1/3 एम्पियर। अब इस वाले के लिए देखिए, फॉर 3 ओम वी इक्वल आई आर, फैक्ट याद रखना कि सीरीज कनेक्शन में क्या सेम रहता है और क्या डिवाइड होता है। करंट कितना जाएगा? 1/3, रेजिस्टेंस कितना है? 3, तो वोल्टेज हो गई 1 वोल्ट, ठीक है। सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, तो जितना करंट टोटल आया है उतना ही करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, करंट में डिवीजन नहीं होगा।
ओके देखते रहते हैं हम, कोई भी क्वेश्चन हो सीरीज कनेक्शन का हो चाहे पैरेलल, कोई भी क्वेश्चन हो सीरीज का हो चाहे पैरेलल का हो हम आसानी से कर सकते हैं। अब एक फैक्ट्स बताते हैं, एक तरह से क्वेश्चन और भी बनता है। सपोज करिए आपके पास में दो रेजिस्टेंस है, कितने रेजिस्टेंस हैं? दो। तो आप उनको कितनी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? सर दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो दोनों रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं या दोनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ऐसे तीसरा तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता है। क्या हो सकता है आपके माइंड में? जैसे आपके पास में दो रेजिस्टेंस है, एक तो आप कैसे लगा सकते हो, दोनों को कैसे लगा सकते हो सीरीज में, या फिर आप दोनों को कैसे लगा सकते हो पैरेलल में लगा सकते हो। क्या इसके भी अलावा कोई दूसरा तरीका हो सकता है? आंसर है नो, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता अगर आपके पास में दो रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर स्टूडेंट आपके पास में तीन रेजिस्टेंस है, कितने रेजिस्टेंस है? तीन। तो आप सोचो कि तीन रेजिस्टेंस को हम कितनी तरीके से लगा सकते हैं? दो तरीके से लगा सकते हैं, तीन तरीके से लगा सकते हैं, चार तरीके से लगा सकते हैं, पांच तरीके से लगा सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं तीन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए? तो आंसर है अगर आपके पास में तीन रेजिस्टेंस है तो आप उनको देखिए टोटल आपके पास में चार तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप उन तीनों को सीरीज कनेक्शन में लगा दो, ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। इफ यू हैव थ्री रेजिस्टेंस देन वी कैन कनेक्ट देम इन सीरीज। सेकंड क्या हो सकता है? वी कैन कनेक्ट देम इन पैरेलल। अगर हमारे पास में तीन रेजिस्टेंस हैं तो हम कैसे लगा सकते हैं उनको? आइदर वी कैन कनेक्ट देम इन सीरीज और वी कैन कनेक्ट देम इन पैरेलल। लेकिन एक और तरीका भी तो हो सकता है, टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। टू रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट किए हैं सीरीज में, लेकिन जो थर्ड है वो कैसे है? वो पैरेलल है। टू इन सीरीज एंड थर्ड इन पैरेलल। एंड अनदर वे इज दैट टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड वन रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, अगर आपके पास में तीन रेजिस्टेंस हैं तो उनको आप कितनी तरह से कनेक्ट कर सकते हो? चार तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। तीनों को सीरीज में लगा दीजिए, तीनों को पैरेलल में लगा दीजिए, दो सीरीज एक पैरेलल, दो पैरेलल एक सीरीज। इस पर बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे सपोज आपके पास में तीन रेजिस्टेंस है, एक क्वेश्चन है यू आर गिवन थ्री रेजिस्टेंसेस ईच 6 ओम। आपके पास में तीन रेजिस्टेंस गिवन है, कितने कितने ओम के हैं? 6 ओम 6 ओम 6 ओम के। हाउ कैन यू कनेक्ट देम टू ऑब्टेन फर्स्ट 9 ओम एंड सेकेंड 4 ओम, ठीक है। आप उनको कैसे कनेक्ट करोगे कि उनका टोटल रेजिस्टेंस या तो 9 ओम आ जाए या फिर उनका टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम आ जाए? तो ये तो बात क्लियर है कि अगर हमारे पास में 6 ओम के तीन रेजिस्टेंस हैं, अगर हम ये वाला तरीका देखते हैं 6 ओम 6 ओम 6 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 18 ओम, जो कि हमको नहीं लाना है। अगर हम तीनों को पैरेलल में लगाते हैं स्टूडेंट, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा? 1/6 + 1/6 + 1/6 R इक्वल 3/6 और R इक्वल आ जाएगा 2, ठीक है। जबकि हमको 2 नहीं लाना है, हमको तो कितना लाना है? या तो 9 लाना है स्टूडेंट या फिर 4 लाना है। तो हमारे पास में और कौन से तरीके बचे? अब हमारे पास में दो तरीके बचे। पहले तो आप ये समझ लेना कि तीन रेजिस्टेंस तो आप कितने तरह से लगा सकते हो, टोटल चार तरीके से लगा सकते हो उनको, ओके। तो दो तरीके तो बेकार हो गए हमारे, अब बचे दो तरीके, एक दो को पैरेलल में एक को सीरीज में, या दो को सीरीज में एक को पैरेलल में। तो चलो पहले ये वाला ट्राई करते हैं हम। दो पैरेलल में है 6 ओम 6 ओम और 6 ओम और एक सीरीज में, तो पहले इन दोनों के लिए लगाओ 1/R = 1/6 + 1/6 1/R = 2/6 R = 3। मींस इन दोनों को हम हटा सकते हैं, इन दोनों को हटा सकते हैं, उन दोनों की जगह पर कितना ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं हम? 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। दोनों कैसे हो गए? सीरीज में हो गए। नाउ टोटल आर इक्वल 3 + 6 दैट इज 9 ओम। तो आपको 9 ओम आंसर लाना था, आंसर आ गया। करना कैसे है? आप डायग्राम बना दोगे दो पैरेलल में,
एक सीरीज में और ये सॉल्यूशन कर दोगे। अब दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं, इसको रफ कर लेना, सॉरी राइट कर लेना, रफ तो हम कर ही देंगे आप लोगों के लिए। अब लाना है हमको 4 ओम, तो देखो ऐसे करके देखते हैं इसको हम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये भी 6 ओम। पहले हम कितने ले लाएंगे, ये दोनों सीरीज में है तो कितना हो जाएगा इन दोनों का, 6 ओम प्लस 6 ओम कितना हो गया 12 ओम। मीन्स इन दोनों को हम हटा सकते हैं, इन दोनों की जगह पर कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं स्टूडेंट, 12 ओम का। अब ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, तो 1/R = 1/12 प्लस 1/6, 1/R = 12, 1+2 तो आर कितना आ जाएगा 4 ओम। ठीक है, आर कितना आ गया स्टूडेंट इस बार 4 ओम, जो कि हमको लाना भी था। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि आपको 3 रेजिस्टेंस गिवन है कितने भी ओम के, और पूछा जाता है कि हाउ कैन यू कनेक्ट देम टू गेट अ टोटल रेजिस्टेंस। दे एक टोटल रेजिस्टेंस गिवन होगा तो 4 तरीके बताए हमने, या तो तीनों को रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाओ, या तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाओ, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होगा। आंसर जो भी निकलेगा इन 4 तरीके में से ही आंसर निकल आएगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होगा 3 रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करने का। या तो तीनों सीरीज में कनेक्ट होंगे, या तीनों पैरेलल में कनेक्ट होंगे, या 2 सीरीज में, 1 पैरेलल में, 2 पैरेलल में, 1 सीरीज में। ओके श्योर, तो इस बात को याद रखिएगा। एक और तरीका होता है क्वेश्चन को पूछने का, आप लोग प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चनों की अपनी अपनी बुक्स में, देखिएगा एनसीईआरटी में जो भी आपके क्वेश्चन दे रखे हैं उनको देखिएगा, और सारे क्वेश्चन को करना, कोई क्वेश्चन नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में डालना, हम उनको सॉल्व करके आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपके पास में एक रेजिस्टेंस